हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अपन ने बात किए थे अगर दो लाइन दी गई रही यानी कि गिवन लाइन में से एक तीसरी लाइन पास होती है तो हम उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ये जो लाइन है वो क्या करती है, एंगल फॉर्म करती है। बट एंगल यानी क्या, एंगल ये कंसेप्ट लाई गई है स्लोप को डिनोट करने के लिए। एक लाइन पर का एक यानी कि फर्स्ट लाइन है उस पर सेकेंड लाइन का स्लोप कितना है उसको किससे डिनोट किया जाता है, एंगल से। बट ये जो एंगल की स्टडी है वो हम पैरेलल लाइंस पर जब करते हैं तो हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमको वो एंगल्स के पेयर्स क्या होंगे वो समझना होगा। बट ये जो सिर्फ एंगल है, एंगल के पेयर नहीं, बस एंगल, एंगल होते हैं तीन टाइप के। कितने टाइप के, तीन टाइप के। ये होता है उसके मेजरमेंट के बेसिस पर। ये जो टाइप्स बोल रहे हैं हम वो किसके बेसिस पर होते हैं, उनके मेजरमेंट के बेसिस पर। देखो, जैसे अगर एंगल जीरो से क्या है, छोटा है, क्या जीरो से नहीं 90 डिग्री से छोटा है, किससे छोटा है 90 डिग्री से, तो वो क्या कहलाता है, एंगल एक्यूट एंगल। जीरो से लेकर 90 डिग्री तक के कोई भी एंगल रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। वैसे ही अगर एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का आता है, कितना आ जाता है एग्जैक्टली 90 डिग्री का, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, राइट एंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल। अगर ये 90 डिग्री से थोड़ा बढ़ गया अप टू 180 डिग्री तक के, कहाँ तक के, 180 डिग्री तक के, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो एंगल के कितने टाइप पढ़े अपन ने, तीन टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। किसके बेसिस पर, मेजरमेंट के बेसिस पर। कौन से, एक तो एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, और थर्ड टाइप पड़े ऑब्ट्यूस एंगल। ये किसके हुए टाइप्स, एंगल्स के। बट अपन क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे इन्हीं एंगल्स की। क्या बनाएंगे, पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़िया। जोड़िया यानी दो बैल रहते हैं, तो बैल जो रहते हैं वो अगर बंडी में अपन उनको लगाते हैं तो क्या बनती है, उनकी जोड़ी बन जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी बाइसिकल रहती है, तो बाइसिकल में भी क्या रहते हैं, दो व्हील्स रहते हैं, चक्के रहते हैं, दो टायर्स रहते हैं, तो वो जो टायर्स रहने वाले हैं वो किस में रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं। तो ये जो जोड़ी है रहती है वो बहुत ही ज़्यादा काम की रहती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये एंगल जो रहेंगे वो भी क्या करेंगे, उनका भी कंपैरिजन करेंगे किस में, पेयर्स में, और उनकी भी पेयर फॉर्म करेंगे। तो ये जो हम पेयर फॉर्म करने की, पेयर फॉर्म करते हैं वो तीन टाइप पर करते हैं। कितने टाइप बनाते हैं उसके, तीन टाइप। फर्स्ट जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा है फर्स्ट टाइप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड टाइप क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल्स। थर्ड टाइप कौन सा है, अल्टरनेट एंगल। कौन सा है, अल्टरनेट एंगल। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, अगर इस लाइन, इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये डायग्राम है, डायग्राम पर ध्यान दीजिए, जो एक ही साइड में होंगे, ऐसे एंगल्स जो कि सेम साइड में होंगे और जिनकी डायरेक्शन जो रहती है वो भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए इंटीरियर एंगल, नाम में ही क्या मतलब छुपा है, क्या छुपा है मतलब, ये एंगल्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम साइड पर रहेंगे। कौन से साइड पर, सेम साइड पर। अब क्या होगा, इंटीरियर बोला यानी क्या हो गए, अंदर के, अंदर के एंगल्स, और क्या रहेंगे, सेम साइड पर रहने वाले अंदर के एंगल्स को क्या कहेंगे हम, इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। वैसे ही अब पढ़ते हैं थर्ड टाइप, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको समझने के लिए पसीने छूट जाते हैं, और आपको देखना है कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, ये जो एंगल्स रहते हैं उसको अपन ने दो टाइप में डिवाइड किए। कितने टाइप में डिवाइड किए, दो टाइप में, बिल्कुल। कौन से है दो टाइप, ठीक है, मैं पास तक की गिनता हूँ, आपको पता होना चाहिए, याद कर लो या फिर कमेंट में डाल दो। 5 बता रहा हूँ मैं। देखो हमने पढ़े थे कि इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल के कितने टाइप, दो टाइप, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और सेकेंड जो है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर कौन सा रहेगा, इंटीरियर कौन सा रहेगा, अंदर वाले, ठीक है, अंदर वाले ऐसे एंगल जिनकी साइड क्या नहीं रहने वाली है, सेम नहीं रहने वाली है। क्या नहीं रहने वाली है, सेम नहीं रहने वाली है, एज वेल एज डायरेक्शन भी क्या नहीं रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी। उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है
वो क्या होंगे, बाहर साइड वाले एंगल्स। कितने हैं हमारे पास में, बाहर साइड वाले एंगल्स चार है। तो ये जो बाहर साइड वाले एंगल्स है वो सेम साइड में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सेम साइड पर होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। उन एंगल्स को क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी जानने के पहले इन ये जो अपन ने टाइप्स पढ़े उनके बेसिस पर हमारे को एक्सरसाइज दी है, तो चलो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम तो पैरेलल लाइन रखा है और ट्रांसवर्सल लाइन रखा है, बट क्या होता है जो इसके वजह से एंगल्स को फॉर्म हो जाते हैं, इस वजह से एक्सरसाइज में क्या करना है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल के बारे में स्टडी करना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ गई होंगी तो आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने में कुछ भी तकलीफ नहीं जाने वाली है। तो देखो फर्स्ट जो है यहाँ पर देखना है हमको कि जो एंगल्स दिए है, क्या दिए हैं एंगल्स, और वो एंगल्स को नाम दिया है। वो एंगल्स को नाम दिया है हमने अभी पढ़े कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, किसके बारे में पढ़े, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और उसकी स्टडी किस तरीके से की गई है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो एंगल पी के साथ में उसकी पेयर कौन सी बनेंगी उसको देखना है। तो एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, साइड जो रहती है क्या रहती है, सेम रहती है। जो साइड जो रहेंगी वो सेम रहेंगी और डायरेक्शन भी क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहेंगे। तो ड्यू टू साइड सेम है, हमको पहले एंगल पी को ढूंढना है। एंगल पी मिल गया मुझे, एंगल पी मिल गया, एंगल पी की साइड कौन सी है, कुछ इस साइड में वो शो हो रहा है। अगर ये साइड है उसकी कौन सी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितने एंगल्स मिल रहे हैं मेरे को, मिल रहे हैं एंगल एस, एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड। तो इनमें से कौन सा एक एंगल है जो इसकी सेम डायरेक्शन पर है। अभी क्या देखना है हमको, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये वाली है। एंगल एस की डायरेक्शन कौन सी है, नीचे की तरफ जा रहा है, बट एंगल डब्ल्यू कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल डब्ल्यू होगा। समझ में आया एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे ढूंढे हमने एंगल डब्ल्यू, सबको समझ में आया होगा। चलो एंगल क्यू का ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंगल क्यू की डायरेक्शन तो राइट साइड में है, कौन सी डायरेक्शन है, राइट साइड में। और इसकी जो साइड है वो राइट है, ये राइट साइड की साइड है और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, अपर साइड पर जा रहा है। तो इन दोनों, ये तीनों में से अपर साइड पर जाने वाला एंगल कौन सा है, एंगल एक्स, एंगल एक्स जा रहा है और इनकी साइड क्या है, सेम साइड पर है। तो एंगल क्यू का जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा कौन सा रहेगा, एंगल एक्स रहने वाला है। समझ रहा है सबको, अगर समझा तो समझ गया करके कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे भी समझे कि आपको समझ गया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इंटीरियर एंगल्स की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप फाइंड कर सकते हो, मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपके पास में सॉल्व करने के लिए टाइम है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में, ये वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स के बारे में, इंटीरियर एंगल्स में क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल्स मतलब ये वाले एंगल्स, ठीक है। ये वाले एंगल्स यानी कि ये जो दो लाइंस दिए गए हैं, ये दो लाइंस हैं उनके बीच के एंगल, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। बट जो इंटीरियर एंगल है वो तो मुझे चार दिख रहे हैं, S, W, R और X करके, बट क्या ये सभी एक दूसरे के इंटीरियर एंगल हैं, नहीं। क्या होता है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंदर के एंगल्स, जो सेम साइड के अंदर के एंगल्स हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो एंगल S का इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, जो कि लाइंस के बीच में है और क्या है, सेम साइड पर है। तो लाइन के बीच में सेम साइड पर मुझे एंगल W दिख रहा है, कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल W। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल S का जो इंटीरियर एंगल है वो कौन सा होगा, एंगल W होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा बेहतर है हम क्या करें, क्वेश्चन को पहले रीड करें। तो हम रीड कर रहे हैं, ऑब्जर्व द एंगल, क्या करना है, ये जो 8 एंगल दिए है उनको क्या करना है, हमको पहले तो ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व, शो इन द फिगर, राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। हमने अभी देखे थे कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो हमको क्या करना है, ये फिगर में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से रहेंगे,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से रहेंगे और इंटीरियर एंगल्स कौन से रहेंगे। बट हमने चार टाइप देखे थे, इनमें से कौन सा साइड छूटा, मैं 10 तक की गिनता हूँ, आपका आंसर आ जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो, अपन ने चार टाइप देखे थे किसमें, एंगल्स के। अल्टरनेट एंगल में हमने क्या देखे थे, दो टाइप थे। कितने टाइप थे हमारे अल्टरनेट एंगल में, दो। फर्स्ट तो हो गया इंटीरियर, कौन सा था, इंटीरियर, और सेकंड टाइप था एक्सटीरियर। अल्टरनेट एंगल में कौन सा था, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड वाले। इन एंगल्स को क्या कहते थे, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल्स हमको नहीं फाइंड करना है, बस कौन सा एंगल फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या होगा, जो साइड होंगी वो डिफरेंट होंगी, क्या होंगी, डिफरेंट, और डायरेक्शन भी डिफरेंट होंगी, बट वो क्या होना चाहिए, लाइन के बीच में होना चाहिए। तो ये बी, एंगल बी और एंगल एच क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने को एक ही नहीं लिखना है, आपको पूरे जो ये चार पेयर बनानी है, मैंने आपको बस एक पेयर बताया हूँ, ठीक है। अब क्या देखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं करके, करस्पॉन्डिंग एंगल पर ध्यान दो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, एक पेयर लिख के बताओ, मैं तब तक के 10 तक की गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर क्या होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था कि हमको क्या चाहिए, सेम साइड पर चाहिए, क्या चाहिए, सेम साइड पर चाहिए। वैसे ही डायरेक्शन भी क्या चाहिए थी, सेम चाहिए थी, डायरेक्शन भी सेम चाहिए थी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो एंगल डी है उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल एच करके होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, यानी आपको प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया। और प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ में हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, जिसमें हमने एंगल्स और ट्रांसवर्सल की वजह से फॉर्म होने वाले एंगल्स के पेयर के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी किए और उस पर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लिए। अगली बार में अपन देखेंगे कि एक कंडीशन अप्लाई होती है ट्रांसवर्सल के फॉर्म में, वो कंडीशन क्या है और उसके ऊपर प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और ये जो एंगल्स है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, वो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।